हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके लिए टिकटॉक का एक न्यू कमाल का अपडेट लेकर आया हूँ। गाइस, आज के स्टूडियो में हम कुछ इस तरह का वीडियो का जानेंगे कि आप कैसे इस तरह के यहाँ वीडियो बना सकते हैं, और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको कोई भी काम स्टार वगैरह ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं सिंपली से यहाँ टिकटॉक ऐप से भी इस तरह के वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। तो गाइस, बहुत ही नया इफेक्ट आया टिकटॉक में और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है अभी टिकटॉक पर। और गाइस, मैं आपको यहाँ लास्ट में ये बताऊंगा कि अगर आपके में ये वाला इफेक्ट नहीं मिलता तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा। तो चलिए यार, जान लेते हैं कि आप कैसे इस तरह के यहाँ वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वो इफेक्ट कहाँ पे मिलेगा। इसके लिए आपको अपने टिकटॉक ऐप में जाना होगा। टिकटॉक ऐप में जाने के बाद यहाँ से आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। चलिए यार, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको नीचे एक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में चले जाना है। ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आइकन दिखेगा। आप ये वाला इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। अगर आपको ये वाला आइकन यहाँ पर नहीं मिलता तो आप यहाँ से न्यू वाले सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने ये इस पर क्लिक कर दिया, फिर इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे वीडियो किस तरीके से शूट करना है। इसके लिए आपको टाइमर पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइमर सेलेक्ट करना है 15 सेकंड का। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट शूटिंग पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए करना क्या है, आपको अपने हाथ को अपने फेस के ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है। अगर आप इस तरीके से नहीं रखते हैं तो यहाँ पर आपका फेस कुछ अलग ही टाइप का बन जाएगा। इस तरीके से रखने के बाद अब आपको अपने स्क्रीन पर टैप करना होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ और देख सकते हैं आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे टिक वाले पे क्लिक करना है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथ को फेस के ऊपर जरूर रखना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से फिल्टर वगैरह सेलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपको सिंपली से पोस्ट कर देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके में ये वाला इफेक्ट नहीं मिलता तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा। इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको माई ऐप्स एंड गेम्स में जाकर आपको यहाँ से अपने टिकटॉक ऐप को अपडेट कर लेना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ से आपको टिकटॉक ऐप को जरूर अपडेट करना है। अगर आपका अपडेट नहीं है तो इसे आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद भी अगर आपके टिकटॉक में ये वाला फिल्टर नहीं मिलता तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर करना क्या है। आपको मैंने एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको सिंपली उस वीडियो पर क्लिक करना है। जब आप उस टिकटॉक वीडियो पे आते हैं तो आपको सिंपली से यहाँ पे डिजर्ट मीम का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रेड वाला वीडियो आइकन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप सिंपली से उस इफेक्ट में आ जाते हैं। आपको उस इफेक्ट में आ जाने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे टाइमर सेलेक्ट करके आपको ऐसे वीडियो बना लेनी है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इस तरह के यहाँ वीडियो बना रहेंगे तो आपको अपने हाथ को फेस के ऊपर जरूर रखना है। उसके बाद आपको इस तरह के यहाँ वीडियो बनाने हैं या फिर आप यहाँ पर डांस करके भी दिखा सकते हैं। तो दोनों तरह के वीडियो यहाँ पे टिकटॉक पर चल रही है तो आपको दोनों तरह के यहाँ पे वीडियो बनानी है। वीडियो बन जाने के बाद आपको सिंपली से यहाँ से पोस्ट कर देना है। तो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और आपको भी इस तरह के यहाँ पे वीडियो बनानी चाहिए। तो गाइस, आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो को लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।